हेलो फ्रेंड्स, क्या अब तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? और दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो एसएससी सीएचएसएल का जो आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिया है उसके रिगार्डिंग है। एसएससी सीएचएसएल के मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग है, जो आप लोगों ने कल ये मॉक टेस्ट दिया होगा उसके रिगार्डिंग है। तो चलिएगा, आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यार, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और यार देखो, भले लॉकडाउन चल रहा है लेकिन मेहनत तो करना है ना, क्योंकि वही आपको एक दिन सफलता दिलाएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है। सर टॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में प्रथम अंग्रेजी राजदूत के रूप में आए थे? सर टॉमस रो प्रथम अंग्रेजी के रूप में किसके दरबार में आए थे? और ये क्वेश्चन मैंने आपको दोस्तों कई बार बताया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें चूकेंगे नहीं और अपने आंसर बड़े ही आसानी से बता पाएंगे। तो जरा बताइएगा दोस्तों कि क्या इसका सही आंसर है। तो भाई बिल्कुल, इसका जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है? जहांगीर। आपको पता है कि जहांगीर के दरबार में दो अंग्रेज आए थे, एक आपका 1608 ईस्वी में, तो एक आपका कब आया था? 1615 ईस्वी में। एक आपका 1615 ईस्वी में, 1608 और 1615, 1608 और 1615। अब जैसे ये आपका एक 1615, क्लियर है? 1615। तो इस चीज को जरा सा आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इसका आंसर आपको मैं करके बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्या है और किस तरीके से है। तो जरा सा याद रखिएगा कि अराकू घाटी किस राज्य में स्थित एक हिल स्टेशन और घाटी क्षेत्र है? अराकू स्टेशन, याद रखिएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। आंध्र प्रदेश जो है दोस्त, वो इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। इस चीज को आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश। अराकू घाटी एक बहुत ही फेमस पर्यटक स्थल है, जो कहाँ पड़ती है? तो आपके आंध्र प्रदेश में पड़ती है। ये इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर है? ये कल के सीएचएसएल का जो आपने मॉक दिया था उसका ये टेस्ट का आपको आंसर की बताया जा रहा है दोस्तों। हालांकि एक बात याद रखिएगा कि ये जो आंसर की है वो डिपेंड करता है कि आपने कितने सही किए हैं, इस बात पे भी कि भाई आप जरा समझिए कि क्या है ये। चलेगा अगला क्वेश्चन। सावित्री बाई फूले, क्लियर है? सावित्री बाई फूले ये जो थी आपकी एक भारतीय समाज सुधारक, शिक्षाविद और कवित्री थी, जिन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में भी जाना जाता है। वह किस राज्य से थी? देखो, एक यहाँ पे जीएस और बड़ा मजेदार सा है कि उन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में भी जाना जाता है, पहली महिला शिक्षिका के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है? तो भैया याद रखिएगा, ये जो थी आपकी 28वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है उसका क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट है। सावित्री बाई फूले जो हुआ करती थी वो आपके महाराष्ट्र से बिलोंग किया करती थी, क्लियर है? कहाँ से बिलोंग किया करती थी? तो महाराष्ट्र से बिलोंग किया करती थी। कहाँ से? तो महाराष्ट्र से बिलोंग किया करती थी, क्लियर है? महाराष्ट्र से बिलोंग किया करती थी। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्लियर है? सावित्री बाई फूले, जिन्हें भारत की प्रथम शिक्षिका भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, 28वां के बी के बाद ये रहा। पूर्व विदेश मंत्री शशि थरूर ने अपनी किताब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 जीता है। यार ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको बताऊं कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा है, कई बार पूछा है, तो ये आपको आंसर करना है। ये आपको आंसर करना है कि क्या इसका सही आंसर है। तो भाई आप शशि थरूर की बुक बताना है दोस्त, जरा बताइएगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग जुड़े रहिएगा दोस्त। और ये उनकी बुक थी एन एरा ऑफ डार्कनेस। और आपको बताऊं कि सीएचएसएल के एग्जाम में, और आपको बताऊं कि सीएचएसएल के इस बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है। सीएचएसएल के इस बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि शशि थरूर की किस किताब के लिए उन्हें प्राइज दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो याद रखिएगा इस किताब के लिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। 1 मार्च 2020 से वस्तु एवं सेवा कर, 1 मार्च 2020 से वस्तु एवं सेवा कर के लिए आपके जीएसटी लाटरियां कितना आकर्षित करेंगी? जो लाटरी सिस्टम होता है दोस्त, जो लोग खेलते हैं वो कितने प्रतिशत? बबीता जी, मनीष यादव, गीतांजलि, सौरभ ध्यान, मोहम्मद इम्तियाज, दोस्त जरा बताइएगा क्या इसका सही आंसर होगा। तो भाई याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो कौन सा है? आपका 30वें क्वेश्चन का
डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 30वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन 28%, 28%। अब मुझे ये तो नहीं पता कि आप में से मेरे कितने दोस्तों ने कल इसको दिया है एग्जाम को, वर्षा और हंता वायरस जिन्होंने अपना एक नाम रख लिया है, तो भैया वायरस जी आपका सही है आंसर। दीपेश बिल्कुल 30 का डी ही सही होगा। पीयूष सही है, बिल्कुल आपका आंसर सही है, क्लियर है, चलिएगा। मोहम्मद इम्तियाज जी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों, ये रहा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या अब कितनी है, मतलब वर्तमान में पूछ रहा है दोस्तों, बड़ा ध्यान से आंसर करिएगा। शिवम पांडे कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे आपका सही हो जाएगा, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं। रोशनी वर्मा जी ने 28 लिखा, बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन आ गया है ममता सूर्यवंशी जी, भावना एस एस के खान दोस्त जरा बताइएगा, शिवम पांडे कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे गौर करो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या अब कितनी है, तो भैया याद रखिएगा अब कितनी है, तो अब वर्तमान में है 34, बिल्कुल वर्तमान में है 34, 34 है वर्तमान में इनकी संख्या, बहुत बढ़िया। एक इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, बोबड़े साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी अन्य न्यायाधीश है, क्लियर है, चलिएगा। अच्छा, न्यायाधीश किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है, तो याद रखना 143, ये 143 आर्टिकल ऐसा है, 143 आर्टिकल ऐसा है दोस्त जिसके तहत क्या होता है, राष्ट्रपति सलाह देता है, आप राष्ट्रपति सलाह लेता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, क्लियर है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां पाए गए हैं, अ क्ले मॉडल ऑफ प्लॉन्ग हैज बीन फाउंड फ्रॉम, जूते हुए खेत के साक्ष्य। भैया जब मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो मैं कई बार इसको बताया हूं कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त किए गए हैं। अच्छा, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग, तो ये तो मैं पहले ही कह दूंगा कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो जूते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं दोस्त, वो कहीं और नहीं आपके कालीबंगन से पाए गए हैं। कहां से पाए गए हैं, तो कालीबंगन से पाए गए हैं, कालीबंगन से पाए गए हैं जूते हुए खेत, यहीं से काली चूड़ियां भी पाई गई हैं, क्लियर है, यहीं कालीबंगन से पाए गए हैं, कालीबंगन इज द राइट ऑप्शन, क्लियर है, कालीबंगन, बिल्कुल शिवम पांडे जी कालीबंगन इसका राइट आंसर है, सही आंसर है, जूते हुए खेत के साथ कालीबंगन से। अच्छा, लेकिन दोस्त याद रखना, अगर पूछे कि हल कहां से पाया गया, तो याद रखना हल रूपी खिलौना, हल रूपी टॉय या फिर खिलौना, हल रूपी खिलौना कहां से प्राप्त किया गया था, तो हल रूपी खिलौना जो था जिसे आप क्या कह सकते हो, टॉय, क्लियर है, हल रूपी टॉय जिसे आप कह सकते हो, सॉरी फॉर दैट, हल रूपी टॉय या फिर खिलौना, क्लियर है, हल रूपी टॉय या खिलौना कहां से प्राप्त किया गया था, बनवाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, जरा ये आंसर बताइएगा। विश्वजीत जी, रीतम तेजल गुप्ता जी आंसर करिएगा, इसका क्या आंसर सही होगा, बिल्कुल सतीश मुनरेंद मोहम्मद इम्तियाज आप लोग के आंसर सही हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको आंसर करना है कि इसका सही आंसर क्या है, बताइएगा जरा। वंदना जी, कमल किशोर, कमल किशोर, ऋचा, संजय, बताओ इसका सही आंसर क्या है। तो भाई जो 33वें क्वेश्चन का सही आंसर है, 33वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है, चार्ल्स मेटकाफ, क्लियर है, चार्ल्स मेटकाफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, चार्ल्स मेटकाफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, बिल्कुल मेटकाफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, बिल्कुल अमृत स्टूडियो जी, और बहुत बढ़िया शिवम पांडे, आर राजपूत, दिग्विजय, ऋषभ, गीतांजलि, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पवन भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भागों में बहती है, आंसर आप करिए। और दोस्तों एक चीज जान लीजिए, ये जो CHSL के मॉक टेस्ट होते हैं ये आपके लिए बहुत जरूरी हैं, और ये जो अभी कोरोना वगैरह चल रहा है दोस्त, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ कंटिन्यू नहीं होती, परमानेंट नहीं होती, वो हटती जरूर है, और जब ये एक बार हटेगी तो फिर आपके एग्ज़ाम आपके सर पे होंगे, तो भैया तैयारी करते रहिए। 34वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्त, वो क्या है, पश्चिमी विक्षोभ, क्या है, पश्चिमी विक्षोभ, क्लियर है, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, 34वें क्वेश्चन का ए जो है आपका सही ऑप्शन है, ए जो है वो आपका क्या है, सही ऑप्शन है, बिल्कुल 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 ए ऑप्शन इसका सही है। और आप लोगों ने इतना तेजी से आंसर किया कि मुझे लगता है अगले क्वेश्चन पे बहुत बढ़ जाना चाहिए, बहुत बढ़िया शिवम पांडे जी, अगर 165 मार्क्स आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी में लग जाएं। नेक्स्ट, अल्पाइन पर्वत श्रृंखला के ज्वालामुखी सहित मध्य महाद्वीपी बेल्ट निम्नलिखित में से किस सागर को कवर करता है, आपको बताना है कि अल्पाइन पर्वत श्रृंखला के ज्वालामुखी सहित जो मध्य महाद्वीपीय बेल्ट है वो किस सागर को कवर करता है, मेडिटेरियन सी को, रेड सी को, डेड सी को या अरेबियन सी को, बताइएगा दोस्त किसको कवर करता है, ये आपको आंसर करना है, ये आपको बताना है। तो भाई
इसका 35 क्वेश्चन का जो आंसर सही है वो कौन सा सही है, 35 का ए सही है, मेडिटेरियन सी सही है, जिसे आप क्या कहते हो, भूमध्य सागर कहते हो, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर है, ठीक है, मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। सरस्वती जी, मोनिका, पुरुषोत्तम, सुमित और चलिएगा जरा इसका, ऋषभ नायक जी सही है आपका, आपने डी आंसर किया ऋषभ नायक, जो कि गलत है, ए ऑप्शन 35वें क्वेश्चन का सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, जो भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए। भाई अगर ऑप्शन के थ्रू हम लोग जाएं तो ए में तो भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात है, भाग दो में नागरिकता की बात है, और भाग चार में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात है। मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पार्ट थ्री। कौन सा सही आंसर हो जाएगा दोस्त, इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, पार्ट थ्री। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भाग तीन, बिल्कुल बिल्कुल पार्ट थ्री, 12 से लेकर 35 तक। क्लियर है, 12 से लेकर 35 तक। चलिएगा मंजू जी, अनूप, भंवर, सौरभ, आशिक, पंडित जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा के बाद संसद के अनुमोदन के बिना उसके संचालन की अवधि कितनी है। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा के बाद संसद के अनुमोदन के बिना उसके संचालन की अवधि कितनी है। 37 क्वेश्चन जो है दोस्त आपके स्क्रीन पे है, और 37 का जो आंसर देखते हैं कौन कौन सही करता है। ममता, सोनम खान जी, शिवम, दिग्विजय, दीपक, कमल, अनु, गीतांजलि, दिग्विजय, अरुण, कुमारी, अर्चना जी, जरा बताइएगा 37वें क्वेश्चन का आंसर क्या है। शिवम पांडे, मनीषा यादव, जरा 37वें क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या है, 37 क्वेश्चन का आंसर। तो भाई जो 37वां क्वेश्चन है उसका कोई और नहीं, मात्र 2 महीने, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। इसका क्या सही आंसर है, सी ऑप्शन क्या है दोस्त, करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, सी बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट है। मंजू मंडू माली जी सही है इसका सही आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कूलिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, तरल के ठंडे होने की प्रक्रिया है, गलनांक बिंदु से नीचे, हिमांक से नीचे, गलनांक पर, गलनांक बिंदु से ऊपर। सुपर कूलिंग इज कूलिंग ऑफ लिक्विड बिलो मेल्टिंग पॉइंट, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, एट मेल्टिंग पॉइंट, अबव मेल्टिंग पॉइंट। बताइएगा दोस्तों क्या इसका सही आंसर है, आंसर करके बताइएगा क्या इसका बेहतरीन और सही आंसर हो। थोड़ा सा टाइम लो, सोचो। लेकिन भावना जी, पंकज, अनूप और एसएसके खान, रितम बागू जी, जरा बताइएगा इसका सही आंसर, सोच के दीजिएगा। सोमेन रॉय जी सही आंसर, निशु निशु जरा इसका सही आंसर बताओ भाई। प्रेम कुमार आपने इसका बी बोला है, अकबर बादशाह ने इसका ए बोला है। अच्छा, अब अकबर भी पढ़ रहे हैं मजेदार बात है कि अब अकबर भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये बड़ा सुकून की बात है भाई। तो 38वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्त वो है बी ऑप्शन। 38वें क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो क्या है आपका, बी। क्लियर है, 38वें क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो है बिल्कुल सही, ये बी ऑप्शन। क्लियर है, ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, बी ऑप्शन, बिल्कुल बिल्कुल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट इसका सही ऑप्शन है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, क्लियर है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन की इस घटना को क्या कहा जाता है, अपवर्तन, विवर्तन, संचरण, कोई विकल्प सही नहीं है। आपका ऑप्शन है रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, प्रोपोगेशन या नो ऑप्शन इज करेक्ट। बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। तो भाई इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है आपका, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका रिफ्रैक्शन, जो इसका ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, रिफ्रैक्शन। क्लियर है, जो इसका ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, अपवर्तन इसका सही आंसर है। 39वें क्वेश्चन का अपवर्तन सही आंसर है, बिल्कुल ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सौरभ, आकाश, अक्षय कुमार जी, मोहम्मद, इम्तियाज आपका गलत है दोस्त, ऋषभ नायक जी आपका बिल्कुल सही है, वर्षा, सुमित घोष, रोशनी, जिन्होंने भी इसका ए ऑप्शन किया है दोस्त, आप लोगों के सही हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चंस कौन से हो रहे हैं, जो एसएससी सीएचएसएल का अड्डा 24/7 एसएससी अड्डा ने आपके कल मॉक टेस्ट कराए थे सीएचएसएल के, ये उसका मैं हल दे रहा हूं, उसका सोल्यूशन दे रहा हूं कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। ये रहा अगला क्वेश्चन, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम
करती है, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है दोस्त, वो आपको बताना है किस सिद्धांत पर कार्य करती है। याद रखिएगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करती है आपके किस सिद्धांत पे, तो आपके पास्कल लॉ पे। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पे काम करती है, तो बिल्कुल आपके पास्कल लॉ पे काम करती है। पास्कल लॉ पे ही हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करती है। क्लियर है? ठीक है, पास्कल लॉ पे काम करती। अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रख करके दोस्त, क्लियर है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रख करके। और हाँ दोस्त, आजकल हम लोग का जो चेहरा है और जो हम लोग हैं धीरे से छोटे से कोने में दिख रहे होंगे, उसका बस एक कारण है दोस्त कि हम लोग इस समय लेक्चर एक छोटे से लैपटॉप से और घर से बैठ करके लेते हैं, ताकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। अड्डा का एक एफर्ट है। बहुत जल्द हम लोग अपने स्टूडियो में होंगे, जिस पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी के साथ आप लेक्चर को देखते थे, वही आपको हासिल होगा। क्लियर है? बिल्कुल नैन्सी कल्याण जी, पास्कल लॉ इसका सही आंसर है। रोशनी, विकास, भुवनेश, वर्षा, बापू ओझा जी, सही आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे चादरों के रूप में नहीं पीटा जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी बीटन इन टू शीट्स, गोल्ड, सिल्वर, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। आप जानते हो दोस्त कि किसे चादर से नहीं पीटा जा सकता? शिवम पांडे, बहुत बढ़िया, अगर आपने सबसे पहले आंसर किया तो। प्रियंका यादव जी नमस्ते। चलिएगा इसका आंसर बताइएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा। तेजल ने इसका बी ऑप्शन शायद पहले वाले का बी दिया होगा। तो भैया कोमल किशोर, बबीता कुमारी, मोनिका, रितम, नवनीत, नवनीत जी, शक्ति शर्मा जी, विकास कुमार, पुरुषोत्तम, इसका जो सही आंसर है दोस्त, 41वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है आप जानते हो, वो है पोटेशियम। पोटेशियम को नहीं पीटा जा सकता, पोटेशियम को नहीं पीटा जा सकता, बाकी सभी को पीटा जा सकता है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है आपका? पोटेशियम। पोटेशियम इज द राइट आंसर। क्लियर है? सी, बिल्कुल बिल्कुल सी इसका सही आंसर है। वंदना मिश्रा जी हाँ, बाय, तो जाइए शिव, बाय बाय। रजनी सौर्या जी, पोटेशियम, बहुत बढ़िया आंसर आप लोग कर रहे हो दोस्त, जुड़े रहिएगा। अच्छा भैया, लेक्चर को शेयर भी करना होता है, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो लेक्चर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनी माता रोग प्रदूषित रहे तो ऐसा होगा, बताएंगे। और भाई याद रखिएगा, कल शाम 6:15 से मेरी क्लास कितने दिन चलती है? तो मेरी क्लास जो चलती है दोस्त, 3 दिन चलती है। कब कब चलती है? मेरी क्लास 3 दिन चलती है। क्लियर है? कब कब चलती है? सोमवार। क्लियर है? सोमवार, मंगलवार, आपके मंगलवार और बुधवार। सोमवार, मंगलवार और बुधवार, शाम 6:15 PM कहाँ पे चलती है? तो SSC अड्डा पर। ये मेरी क्लास है। क्लियर है? ये मेरी क्लास चलती है। क्लियर है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शाम 6:15 पे मेरी क्लास चलती है। और इसका जो सही आंसर है दैट इज पारा, इसका जो सही आंसर है दैट इज मरकरी, इसका जो सही आंसर है वो क्या है? मरकरी इसका। तो भाई याद रखिएगा, कल शाम 6:15 भी आपको जुड़ना है। बिल्कुल कल शाम 6:15 भी अनिल साहू, मोहम्मद इम्तियाज, राहुल गुप्ता, क्रंकी फ्रैक्स, आप लोगों को जुड़ना है। मंजी उपाध्याय जी, जुड़ना है आप लोगों को। क्लियर है उपाध्याय जी? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में मौजूद ग्रसनी ग्रहणियां का पता लगाती हैं, आपको बताना है किसका पता लगाती हैं, जो हमारे गसनी जो रेसिपेटर्स होती हैं हम लोग के अंदर, वो किस चीज का पता लगाती हैं? स्वाद का, गंध का, स्पर्श का, या फिर आवाज का? जो ग्रसनी होती है हम लोग के शरीर में, किसका पता लगाती है? तो याद रखना दोस्त, जो ग्रसनी होती है हम लोग के शरीर में, किसी और चीज का नहीं, आपके टेस्ट का पता लगाती है। 43 का जो ए ऑप्शन है वो सही है, 43 का जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, टेस्ट का पता लगाती है। क्लियर है? टेस्ट का पता लगाती है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं। वंदना इस मिश्रा जी, आपका गलत है, आपने स्मेल कहा, जो कि गलत ऑप्शन है, टेस्ट का पता लगता है ग्रसनी से। क्लियर है? टेस्ट का। बहुत बढ़िया मनीषा यादव जी, सही है आपके आंसर। नीशु, आपका भी सही है। नवनीत और बहुत सारे दोस्तों ने इसका ए ऑप्शन किया है, जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोशिका के आसपास का माध्यम एक हाइपोटोनिक घोल होता है, ये क्वेश्चन थोड़ा बायोलॉजी से टफ क्वेश्चन है, जिन लोगों को अपने बायोलॉजी पे विश्वास है वो बताएं। अकबर बासा जी, आप भी जरा आंसर करिएगा, क्योंकि मुझे अकबर बासा नाम बहुत अच्छा लगा दोस्त। क्लियर है? जरा बताइएगा इसका सही ऑप्शन क्या है, बताइएगा दोस्त इसका सही ऑप्शन क्या है। क्लियर है? इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या है, इसका सही ऑप्शन, तो थोड़ा सा मजा आ जाए। क्लियर है? जरा बताइएगा इसका सही ऑप्शन बिल्कुल क्या है,
तो 44वें क्वेश्चन का दोस्त जो सही ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन, श्रिंक। इसका जो सही ऑप्शन है वो है श्रिंक। क्लियर है, सिकुड़ना। श्रिंक मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। तो जब कोशिका के आसपास का माध्यम एक हाइपोटोनिक घोल होता है तो कोशिका के सिकुड़ने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख पशु प्रजातियों को दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षित किया जा रहा है, दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षित किया जा रहा है। तो भैया ये क्वेश्चन आपको अगर विश्वास हो तो, जो मेरे स्टूडेंट रेगुलर मुझसे पढ़ते रहते हैं, मैंने कई बार उनको बताया है कि हंगुल या कश्मीरी हिरण, हंगुल स्टेक, भाई इसको रट जाना दोस्त, ये कई बार आपसे पूछता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है, हंगुल और कश्मीरी स्टेक बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये दचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है आपका दचीग्राम नेशनल पार्क। चलिएगा, कार्टाजेना पोर्टो प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और संचालन से संबंधित है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और संचालन से संबंधित है, ये आपको बताना है दोस्त। बताइएगा, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और संचालन से संबंधित है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्त इसका ऑप्शन आप बहुत आसानी के साथ बता पाओगे। जरा बताइएगा दोस्त क्या इसका सही ऑप्शन है। बहुत बढ़िया, तो इसका जो सही आंसर है दोस्त 46वें क्वेश्चन का वो कौन सा है, सी ऑप्शन, लिविंग मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। भैया कई लोग ने इसका आंसर गलत किया है, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर गलत किया है। अच्छा, इसमें मैं आपकी गलती नहीं दूंगा, क्वेश्चन को थोड़ा टफ कर दूंगा कि भाई क्वेश्चन थोड़ा टफ था, आप नहीं। क्लियर है, क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो गलत नहीं हो सकते। अगला, महिला उद्यमिता के लिए यशस्वनी योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है, इसका आप आंसर दीजिए। लेकिन साथ ही साथ एक जानकारी लीजिएगा कि यार अभी कोरोना वायरस की वजह से भी बहुत सारी योजनाएं राज्य सरकारों ने शुरू की हैं, तो उनको भी थोड़ा ध्यान रख करके आपको पढ़ लेना है। अब चलिएगा 47वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, गोवा। क्लियर है, वो है ए, गोवा। ये जो यशस्वनी योजना है महिलाओं के लिए वो गोवा में शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है, तो गोवा में शुरू किया गया है। नेक्स्ट, सिरुई लीली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, सिरुई लीली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, सिरुई लीली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्त, ये जो सिरुई लीली महोत्सव है ये आपके मणिपुर में मनाया जाता है। क्लियर है, कहाँ मनाया जाता है, तो आपके मणिपुर में मनाया जाता है, ये आपके मणिपुर में। क्लियर है, मणिपुर में मनाया जाता है, ये मणिपुर में मनाया जाता है जो आपका सिरुई जो है ये मणिपुर। क्लियर है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, मणिपुर इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, नेक्स्ट, भारत की दूसरी स्कॉर्पिन श्रेणी की हमला पनडुब्बी INS खांदेरी को कहाँ बनाया गया था, INS खांदेरी को कहाँ बनाया गया था, आपका ये क्वेश्चन है। तो जरा बताइए कहाँ बनाया गया था, तो भाई इसका जो सही आंसर है INS खांदेरी को कहाँ बनाया गया था, 49वां क्वेश्चन, तो 49वें क्वेश्चन का दोस्त डी ऑप्शन, मुंबई। क्लियर है, डी ऑप्शन मुंबई में बनाया गया था, डी ऑप्शन मुंबई में बनाया गया था। याद रखिएगा इसे कहाँ बनाया गया था, तो मुंबई में बनाया गया था। ये कल के जो CHSL के आपके मॉक हुए हैं उसका आंसर की आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं और देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो भैया जो आपका अगला क्वेश्चन है INS की दूसरी स्कॉर्पिन सीढ़ी, इसके बाद अगला क्वेश्चन, किस क्रिकेटर ने 2018-19 के लिए पाली उमिरगर पुरस्कार जीता है, ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जिसने 2018-19 के लिए पाली उमिरगर पुरस्कार को जीता है, ये आपको आंसर करना है। तो भाई याद रखिएगा इस बार जो CHSL के अभी तक जो एग्जाम हुए थे उनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इन्हीं सब सेक्टर से आ रहे थे जिसके ऊपर बेस्ड ये आपका CHSL का मॉक चल रहा है। तो अड्डा 24/7 के SSC अड्डा चैनल पे ये जो मॉक होता है दोस्त उसको देना आपको भूलना नहीं है। और 50वें क्वेश्चन का आंसर जो है जिनको हम लोग प्यार से बूम बूम बुमराह बोलते हैं, जसप्रीत बुमराह। क्लियर है, हम लोग जिसको बूम बूम बुमराह बोलते हैं दैट इज जसप्रीत बुमराह। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और जिन लोगों को भी पसंद आया दोस्त लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और शेयर करें।
मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ इसे उन्हें उत्साहित करें कि भाई सब्सक्राइब करो, घर बैठने से काम नहीं चलेगा जब तक कि ये कोरोना चल रहा है, कम से कम आप ऑनलाइन बहुत ही अच्छे ढंग से अपने स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हो। और यार एक इन्फॉर्मेशन थी तुम लोगों के लिए दोस्तों, यार अड्डा के मैंने स्टोर पे देखा, मैं जानता भी हूँ कि 99 रुपीज़ में सब कुछ चल रहा है, मतलब 99 रुपीज़ में अड्डा इस समय अपने SSC के हर पैकेज को, जो भी बैच वैच शुरू कर रहा है उसके कुछ एक महीने का आपको दे रहा है कि भाई इसको आप देखिए समझिए, यदि आपको वो पसंद आता है तो आप उसको फर्दर आगे भी खरीद सकते हैं। मतलब मेरे हिसाब से ये जो 99 में सब कुछ मिल रहा है ये वैल्यू फॉर मनी है, इसको परचेस करिए पूरा, एक दो दिन का नहीं, यूं समझ लीजिए 99 रुपये दे करके आप एक महीने तक पूरा डेमो देखेंगे कि भाई फैकल्टी की बात समझ में आ नहीं रही है, कि सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप बहुत डिटेल में देख पाएंगे। उसके बाद क्या होगा दोस्त कि अगर अब आपको वहां से समझ में आता है कि नहीं ये कोर्स मेरे लिए फ़ायदेमंद है, मैं SSC के फाउंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग का SSC का फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है, अब उसके लिए आपको पूरा पे करने की जरूरत नहीं है, आप 99 रुपीज़ पे करिए और 99 दिन के लिए आप उसका, मतलब 99 रुपए में 30 दिन के लिए, 30 डेज के लिए आप उसका पूरा आनंद ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप अड्डा स्टोर पे आज विजिट करेंगे और ये 99 रुपए वाले पैक में क्या क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे और वैल्यू फॉर मनी के लिए आगे बढ़ेंगे। क्लियर है दोस्त? तो पूरी उम्मीद है कि आप वहां जाएंगे, ठीक है? तो अब हम लोग की कल मुलाकात होगी, और कल कितने बजे मुलाकात होगी? तो कल हम लोग की मुलाकात होगी आपसे 6:15 बजे। कितने बजे मुलाकात होगी? तो 6:15 बजे कल हमारी आपकी मुलाकात होगी। चलिए दोस्तों, बाय बाय, धन्यवाद।